दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि देओल परिवार में एक दूसरे के प्रति बेहद प्यार और सम्मान है। अभिनेता धर्मेंद्र ने इस बात का खुलासा कई बार किया है कि वे अपने दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र ने एक शो के दौरान अभिनेता सनी देओल के बचपन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। जानकर हैरानी होगी आप सभी को ये किस्सा जानने के बाद। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, टीवी के एक रियलिटी शो के दौरान जब अभिनेता धर्मेंद्र से पूछा गया उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल में से बचपन में पैसे कौन चुराता था, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, क्योंकि वे अपने बच्चों को उतने पैसे दे ही देते थे। दोस्तों, उसी शो के दौरान बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र ने बताया कि एक बार उन्होंने अपने बड़े बेटे सनी देओल को थप्पड़ मार दिया था। धर्मेंद्र ने शो के दौरान बताया कि जब सनी देओल एक छोटे बच्चे थे तो उन्होंने खिलौने की बंदूक सनी को तोहफे में दी थी। सनी ने उस खिलौने की बंदूक से शीशे पर फायर कर दिया, जिससे पूरा शीशा चकनाचूर हो गया, टूट गया वहीं पे। और इस वजह से धर्मेंद्र ने सनी देओल को ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। बाद में धर्मेंद्र को अपने गुस्से का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने बताया कि उनके दोनों ही बेटे उनके लिए बहुत कीमती हैं और वो उन्हें बेहद प्यार करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर जो बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी नई वीडियोज़ के लिए। बॉलीवुड फिल्म जीत 23 अगस्त 1996 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। इस फिल्म में सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के निर्देशक राज कन्वर थे। फिल्म का निर्माण साजिद नाडियावाला द्वारा किया गया था। फिल्म का म्यूजिक नदीम शरण द्वारा कंपोज किया गया था। आइए जानते हैं जीत फिल्म से जुड़ी पाँच मज़ेदार बातें, जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर वन, फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाले ने साल 1978 की सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से प्रेरित होकर जीत फिल्म का निर्माण किया था। मुकद्दर का सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 26 करोड़ 9 लाख रुपये की कमाई की थी। नंबर दो, करिश्मा कपूर से पहले जूही चावला को यह फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन वह किसी अन्य फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, इसी कारण वह इस फिल्म में काम नहीं कर पाई। नंबर तीन, सनी देओल और करिश्मा कपूर ने सिर्फ दो ही फिल्मों में एक साथ काम किया है। उन फिल्मों का नाम अजय और जीत था। दोनों फिल्में एक ही साल रिलीज हुई थी। नंबर चार, सनी देओल और सलमान खान के करियर की एकमात्र फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक साथ लीड एक्टर के तौर पर काम किया था। उसके बाद में वह दोनों किसी भी दूसरी फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर एक साथ नज़र नहीं आए। नंबर पाँच, इस फिल्म का गाना यारा ओ यारा सुपरहिट हुआ था। इसका मुख्य कारण इस गाने की शानदार कोरियोग्राफी व सनी देओल और करिश्मा कपूर द्वारा किया गया डांस था। दोस्तों, इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई वीडियोस के लिए।